हेलो दोस्तों, आज हम असूस के लैपटॉप की स्क्रीन को निकालेंगे। सबसे पहले लैपटॉप को प्रॉपरली स्विच ऑफ कर लेना है। फिर आगे बीजल है, इस पर आप देख सकते हैं राइट और लेफ्ट पे दो कवर्स दिए होंगे। इन दोनों कवर्स को हमने ब्लेड की मदद से निकाल लेना है। इन कवर्स के नीचे स्क्रूज होते हैं। अभी हमने मैगनेट वाला स्क्रू ड्राइवर ले कर स्क्रूज ने खोलने हैं। दोनों साइड से एक एक स्क्रूज खोल देना है हमने। इसकी जो बीजल है इसे हम फिंगर टिप की मदद से, नहीं तो फिर ओपनर से इसको हमने निकाल लेना है। ये जस्ट लॉक्स के साथ होती लगी है, जो प्लास्टिक के लॉक्स होते हैं उसके साथ ही अटैच होती है। सो हमने सभी साइड से इसे अनलॉक करके बीजल को निकाल लेना। आपने ध्यान से निकालना कि बीजल ब्रेक ना हो। ये देखिए बीजल निकल गई है। अभी आप देख सकते हैं जो ये स्क्रीन है इस पर चार स्क्रूज लगे हुए हैं। ये चार स्क्रूज को हम खोलेंगे। ये जो नीचे के दो स्क्रूज हैं इनके ऊपर टेप लगी होती है, ये हम पहले टेप को थोड़ा सा उठा लेंगे। टेप को उठा के फिर हमने स्क्रूज को खोल लेना है। इन चारों स्क्रूज की साइज सेम होती है। अभी हमने स्क्रीन को ऊपर उठा लेना है। आप फिंगर टिप की मदद से भी या ओपनर की मदद से भी इसे ऊपर उठा के निकाल सकते हैं। जो ये स्क्रीन है इसके साथ जो केबल लगी होती है ये टेप के साथ स्टिक की होती है, ताकि कोई लूज कनेक्शन ना रहे। सो हमने जो टेप है पहले टेप को निकाल लेना है। फिर टेप के साथ ही जो डिस्प्ले केबल है इसे हमने नीचे स्लाइड करके डिस्कनेक्ट कर देना है। इसे आपने एकदम आराम से निकालना, क्योंकि ये टेप बहुत ज़्यादा हार्डली स्टिक होती है। आप अपना आराम से समय लेके इसे निकाल लीजिए। ये आप देख सकते हैं ये स्क्रीन डिस्कनेक्ट होगी ये केबल से। अभी हम जो ये केबल है इसको पहले हम साफ़ कर लेंगे ब्रश की मदद से। इस पर थोड़ी सी कार्बन आई हुई है, उसके कारण इसमें थोड़ा डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने साफ़ करके इसको दोबारा हम कनेक्ट करेंगे उसी स्क्रीन को। कोई भी नॉर्मल ब्रश होता है उससे आप साफ़ कर लेना है। अभी हम इसी स्क्रीन को दोबारा कनेक्ट करेंगे। स्लाइड करके कनेक्ट करना है, और जो टेप उसके ऊपर होती है उसको हमने ऐसे स्टिक कर देना है इसके ऊपर। अभी हमने इसको स्क्रीन को जैसे ओपन किया था ठीक ऐसे ही उस पर फिक्स कर देना है। केबल का ध्यान रखना, केबल प्रॉपरली नीचे प्लास्टिक के लॉक्स होते हैं उनमें साइड में अटकी होनी चाहिए प्रॉपरली। फिर हमने इसके जो चार स्क्रूज है स्क्रीन के उनको हम टाइट कर लेंगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। अभी हमने इसके ऊपर बीजल को फिट कर देना है। ये आप देख सकते हैं ये बीजल है, ये सिर्फ प्लास्टिक के लॉक्स लगे होते हैं इन पर। उससे पहले हमने जो टेप निकाली उसको लगा लेंगे। अभी हमने ऊपर रख के आपने केबल्स का भी ध्यान रखना। ये देखिए जैसे राइट साइड में इसके वाईफाई एंटीने की केबल आ गई थी बाहर, इसको ऐसे ही एडजस्ट कर देना है उस लॉक्स में, और बीजल को ऊपर रख के प्रेस कर देना है सभी साइड से, ताकि जो प्लास्टिक के लॉक्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएँ। जैसे जैसे लॉक्स अटैच होंगे आपको उसकी साउंड सुनाई देगी। एक बार हमने सभी साइड से चेक कर लेना, ताकि प्रॉपरली प्लास्टिक लॉक है कि नहीं, कहीं पे गैप नहीं होना चाहिए। फिर इसके जो दो स्क्रूज हमने खोले हुए दोनों साइड के स्क्रूज उनको हम टाइट कर लेंगे।
और जो इसके ऊपर कवर से इसको भी हम फिक्स कर देंगे। जैसे निकाला है ठीक ऐसे ही हमने इसके ऊपर रख के स्टिक कर देना है। इस पर ग्लू लगी होती है, ये डबल टेप लगी होती है, तो वो वैसे ही स्टिक हो जाएगा। अभी हम लैपटॉप को एक बार स्विच ऑन करके चेक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले आ गया है। शुक्रिया।